नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई सिक्योरिटी में। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका डीवीआर चोरी हो जाता है या किसी तरह से उसमें कोई नुकसान हो जाता है आपके डीवीआर में, या वो डैमेज हो जाता है, तो ऐसे में आप किस तरह से जो है बैकअप आप ले सकते हैं, ये समझना होगा। और इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियाँ डीवीआर को इंस्टॉल करते समय आपको बरतनी चाहिए, जिसके कारण अगर आपका हार्ड डिस्क ख़राब भी हो जाता है तो फिर आपका जो रिकॉर्डिंग फुटेज है वो आपका बचा रहे। खासकर बैंक वगैरह में या फिर ऐसे ज्वेलरी शॉप वगैरह में जब भी कोई घटना होती है, कोई वारदात वहाँ पर होती है, तो डीवीआर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, उसके कारण से हार्ड डिस्क भी डैमेज हो जाता है और जो रिकॉर्डिंग फुटेज है वो नहीं निकल पाता है। तो ऐसे में वो क्या सावधानियाँ आप बरतें हैं डीवीआर इंस्टॉल करते समय ही, जो कि आपको इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हो जाती है तो फिर आपको कुछ बैकअप मिल पाए और वो फुटेज मिल पाए, लास्ट टाइम तक का फुटेज मिल पाए कि वहाँ पर क्या हुआ था, जिससे कि आपको आसानी हो जाए इन्वेस्टिगेशन करने में और पुलिस वगैरह को भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, वो आपके हेल्प कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो जब जैसे डीवीआर को इंस्टॉल करते, तो इंस्टॉल करते समय जो कि ये इको डीवीआर या फिर जो प्लास्टिक बॉडी वाले डीवीआर है, इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता है, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि जो आपका जो स्टोरेज है वो आपके हार्ड डिस्क में होता है। कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको ढूंढना होगा जिससे कि आपके हार्ड डिस्क में स्टोरेज होने के साथ साथ कहीं और भी स्टोरेज हो, ताकि अगर आपके हार्ड डिस्क में कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना, कोई वारदात वगैरह हो जाती है, तो ऐसे में आपको वीडियो फुटेज जो है वो आसानी से मिल सके, और वीडियो फुटेज नहीं तो कम से कम आपको इमेजेस वगैरह भी आपको मिल सके। तो ऐसे में एक ऑप्शन आपका जो है नया ट्रेंड चल रहा है क्लाउड स्टोरेज का, आप क्लाउड स्टोरेज को यूज़ कर सकते हैं। कुछ डीवीआर हैं जिसमें कि क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हिकविजन का HQ HI K1 K2 वाला मॉडल है, या HU HI जो 5 मेगापिक्सल सपोर्ट कर रहा है। तो ये सारे डीवीआर में और NVR में भी क्लाउड स्टोरेज सपोर्ट कर रहा है। तो आप हार्ड डिस्क के ऑप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको क्लाउड स्टोरेज का भी ऑप्शन आपको आएगा, और वहाँ पर क्लाउड स्टोरेज में आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। क्लाउड स्टोरेज की जो सुविधा है वो आपका गूगल ड्राइव देती है, इसके बाद कैम क्लाउड देती है, और भी बहुत सारे सर्विस हैं जो कि क्लाउड स्टोरेज की सुविधा आपको देती है, लेकिन ये काफ़ी कॉस्टली होता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें पैसे खर्च होते हैं। हर महीने का मंथली सब्सक्रिप्शन होता है, आप ईयरली सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। आपके डिवाइस में जो भी रिकॉर्ड होगा वो आप क्लाउड स्टोरेज में जाकर, आपने जो परचेज़ किया हुआ है जिस जितने स्पेस को, वहाँ पर आपको IP वगैरह दिया जाएगा और कुछ यूजर ID पासवर्ड वगैरह आपका दिया जाएगा, वो वहाँ पर जाकर आप डाल दीजिएगा, तो आपका जो भी डिवाइस रिकॉर्ड होगा वो आपके कैम क्लाउड हो या ऐसे को और भी जो स्टोरेज क्लाउड स्टोरेज की सुविधा देते हैं वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। आपका जो रिकॉर्ड है आपके DVR का फुटेज वहाँ पे भी रिकॉर्ड होने लगेगी, और अगर आपके DVR में हार्ड डिस्क में ये किसी तरह से वो डिलीट हो जाता है या फॉर्मेट हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो वहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। एक ये सॉल्यूशन है। इसके बाद जो है आप अगर चाहें तो एक और जो सॉल्यूशन है, मैं जो ये महंगे सॉल्यूशन है, इसके बाद जो है मैं अंत में आपको बताऊंगा कि चीप एंड बेस्ट एकदम सस्ता सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ। इसके बाद जो है आप नेटवर्क स्टोरेज के भी यूज़ कर सकते हैं। नेटवर्क स्टोरेज का जो प्रचलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, बड़े बड़े बैंकों में नेटवर्क स्टोरेज का यूज़ हो रहा है। NAS वगैरह आप जान रहे होंगे, आप हार्ड डिस्क में भी ऑप्शन में आप जाते हैं तो NAS का ऑप्शन आता है, जहाँ पर NAS के IP वगैरह डालने पड़ते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि लोकल में कनेक्ट करने पर तो ठीक है, ये सारा NAS हो या फिर ये NAS का स्टोरेज आप यूज़ करते हैं तो लोकल में ठीक है, आपका लैंड से कनेक्ट होकर आपको हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लाउड में इसे आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्लाउड में आपको 24 आवर्स जो है इंटरनेट आपको चाहिए, और कम से कम 20 Mbps का स्पीड वाला इंटरनेट चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड चाहिए, इसलिए ये महंगा सॉल्यूशन है। और इसके बाद जो है ये आप NAS को जो है आप नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज बोलते हैं इसको, नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम को आप यूज़ करके ये आप जो है डेटा को जो है आप सेव कर सकते हैं किसी और जगह पे। अगर आपका डिवाइस में DVR में कोई प्रॉब्लम आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका NAS जो आपका है नेटवर्क स्टोरेज सिस्टम जो है वहाँ पर आपका जो है रिकॉर्ड होकर रहेगा, और आपका इधर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कोई दिक्कत नहीं, रिकवर आपका वहाँ से रिकॉर्डिंग फुटेज हो जाएगी। तो एक तो क्लाउड स्टोरेज का है, उसके बाद आपका जो है
मैंने आपको जो बताया नैस का ऑप्शन है, और क्लाउड और नैस के ऑप्शन के बाद जो मैंने आपको बताया एक सस्ता ऑप्शन अगर आप देखें तो सबसे सस्ता सुविधा और आसान ऑप्शन जो है मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा, अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया तो मैं आई बटन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा कि ईमेल नोटिफिकेशन का। ईमेल नोटिफिकेशन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर आपका जियो से भी आपने कॉन्फ़िगर किया है, बहुत कम नेटवर्क की स्पीड है आपके यहाँ, तो ईमेल नोटिफिकेशन का सिस्टम वर्क करेगा। क्लाउड स्टोरेज काफ़ी महंगा है, छोड़ दीजिए, नेस का भी काफ़ी महंगा है, छोड़ दीजिए, कम से कम ईमेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और वहाँ से जो है जो इमेज वगैरह है आपको जो है वो आपके ईमेल में आपको मिलता रहेगा, और अंत में अगर कुछ आपके डीवीआर में होता है तो लास्ट का जो मूवमेंट है मोशन डिटेक्शन के थ्रू ये काम करता है, तो लास्ट में जो मोशन होगा वो आपको इमेजेस उसके मिल जाएंगे आपके डीवीआर में, सॉरी आपके जो जीमेल अकाउंट में, और वहाँ से आपको जो है बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा आप FTP सर्वर का भी यूज़ कर सकते हैं। FTP आपको पता ही होगा कि एक माध्यम है जिससे कि आपके DVR में जो भी रिकॉर्ड हो रहा है वो फुटेज जो है आपके PC में, अपने PC से अगर अटैच कर दिया उसे FTP सर्वर से आप अपने DVR को और PC को, तो PC में भी वो रिकॉर्ड होगा, और कम से कम आपका मोस्ट जो इमेजेस वगैरह है, चूँकि ये डेटा DVR में, सॉरी DVR के हार्ड डिस्क में इतना ज़्यादा होता है कि उसको ट्रांसफ़र करना मुश्किल है, तो आप इमेज को जो है आप FTP सर्वर से जो है ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं मोशन डिटेक्शन ऑन करके, जो कम से कम फुटेज वगैरह जो है वो आपका सेव हो जाए आपके PC में, और अगर अंत समय में कोई अगर ऐसी वारदात होती है आपके DVR के साथ, DVR डिस्ट्रॉय होता है, DVR टूटता है, तो आपके PC में वो सेव हो जाएगा। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, क्लाउड स्टोरेज की सुविधा, नेस की सुविधा, और इसके बाद जो है ईमेल नोटिफिकेशन जो सबसे आसान है, किसी भी मॉडल के DVR में ये संभव है, ईमेल की सिस्टम जो है सब में अवेलेबल होता है, और इसके बाद मैंने आपको बताया FTP वाला, तो FTP वाला जो है वो सभी मॉडल में वो अवेलेबल नहीं है, एक विजन में, डवा सी प्लस में भी आपको जो बड़े मॉडल हैं जो कि हाई लेवल के मॉडल हैं, खासकर जो मेटल बॉडी के DVR है उसमें ये सारी सुविधाएँ हैं, तो ये आप यूज़ करके आप कम से कम मिनिमम बजट में आप ईमेल नोटिफिकेशन और FTP सर्वर को यूज़ करके आप अपने DVR के अंत समय के जो इमेजेस हैं, जो मोशन डिटेक्शन में जो भी इमेजेस वगैरह आए वो आप सेव करके आपके PC में रह जाएगा, या फिर आपके जीमेल में ईमेल नोटिफिकेशन के द्वारा चला जाएगा, इससे आपको बहुत लाभ।